हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ और घर पर खुश होंगे। हमने बैट्समैन की बात की, आज बात करते हैं बॉलर्स के लिए। यहाँ ऐसी कौन से टिप्पे हैं जो बॉलर्स को डालने चाहिए जिससे बॉलर्स कम रन खाएं? जी हाँ, आज का टॉपिक है कि आप कैसे अच्छी बॉलिंग डालकर बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं और कम रन आप हर ओवर में दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लें। तो ध्यान से देखना इस ट्यूटोरियल को, क्योंकि मेरे ट्यूटोरियल ख़त्म होने तक मैं जो बताऊंगा वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। छोटा सा ट्यूटोरियल है लेकिन बहुत काम का। तो आइए शुरू करते हैं कैसे बॉलर्स बैट्समैन को परेशान किया जाए अपनी घातक गेंदबाजी से। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बॉलर्स की। जी हाँ, कैसी बॉल्स रखनी है आपको कि आप बैट्समैन को परेशान कर सको? तो हम वो स्पॉट्स देखेंगे बॉलर्स के जिससे आप अच्छी बॉलिंग डालकर आप बैट्समैन को परेशान कर सकते हो। तो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये बैट्समैन है, यहां पर बैट्समैन खड़ा है, अब ये जो बैट्समैन है इस बैट्समैन के आपको कहां पर बॉल रखनी है ये हम देखेंगे। अब आप देख सकते हैं बैट्समैन का जो ऑफ साइड है, यानी जहां पर मैं खड़ा हूं, तो आप कोशिश करें कि या तो आप जितना हो सके इस बैट्समैन के वाइड यॉर्कर रखें, जितनी बॉल यहाँ होगी वाइड यॉर्कर के पास में उतनी अच्छे आप रन्स बचा सकते हो। आपने देखा होगा कि 2020 के अंदर जब लास्ट ओवर्स होते हैं तो जिसको वाइड यॉर्कर अच्छी आती है वो आराम से रन निकाल बचा सकता है अपने लिए, बॉलर्स टीम के लिए। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो है एक वाइड यॉर्कर की, बिल्कुल दूर लंबी आप बॉल डालना सीखें, पहली बॉल। दूसरी बॉल, जो ये बैट्समैन खड़ा है, इस बैट्समैन के जितनी बॉडी के पास आप बॉल डालोगे, यानी जितना वो आप देख रहे हो इस बॉडी के, अगर आप पैरों में रखोगे यॉर्कर, दूसरी बॉल जो सबसे बेहतरीन बॉल होती है यॉर्कर आप रखो, तो आप यॉर्कर बॉल रख सकते हो। तीसरी बॉल है वेस्ट हाइट पर, आप वेस्ट के पास बॉल रखो। तीसरी बॉल, चौथी बॉल है जो चेहरे के पास में बाउंसर आता है। तो यानी ये जो तीन बॉलें हैं और एक वाइड यॉर्कर है, ये चार बॉलें बहुत ही कामयाब बॉल है। उसके बाद में ये चार बॉलें हो गई, अब राइट आर्म ओवर से जब आप बॉलिंग कर रहे हो उसके बाद में आप राइट आर्म ओवर से क्रॉस बॉल फेंको जो उसके बैट्समैन की बॉडी पर आए, यानी वहां से बॉलिंग यहां पर आए, बैट्समैन के पास से निकले, ये है आपकी पांचवी बॉल। वैसे ही आप राइट आर्म राउंड से बॉल कर रहे हैं तो आप बैट्समैन के ऑफ स्टिक से बॉल निकालें, बिल्कुल बैट के पास में से, तो ये हो गई छह बॉलें। तो आप ये समझ सकते हैं कि देखो मैंने हर बॉल अलग अलग टाइप की डाली, यानी अगर आपके तरकश में अलग अलग तीर होंगे तो आप ज़्यादा अच्छा प्रहार करोगे और बैट्समैन कंफ्यूज होगा। अगर आप एक ही तरह की बॉल डालते रहोगे तो बॉलर्स कन्फर्म है कि बैट्समैन को पता चल जाएगा वो एक ही तरह की बॉल उसको आती है, तो वो एक दो बार बॉल बीट होगा लेकिन बाद में वो हिट करने लग जाएगा। इसलिए अगर आपको अच्छा बॉलर बनना है तो वेरिएशंस रखो, और वेरिएशंस के लिए इसलिए मैं आपको अलग अलग टिप्पे बताया कि इन वेरिएशंस पे आप ज़्यादा काम करो तो आप एक अच्छे बॉलर बन पाओगे। यानी जितना हो सके वाइड यॉर्कर की ट्राई करो, जो आपकी मिडल स्टिक और ऑफ स्टिक के पास में बॉडी पे, जैसे आप देख सकते हैं इस बॉडी के पास जो ये तीन बॉलें हैं, बाउंसर मुंह के पास में, फिर उसके बाद वेस्ट हाइट, फिर उसके बाद में यॉर्कर, ये चार बॉलें और एक क्रॉस राइट आर्म ओवर से क्रॉस पिच मुंह के पास में और एक राइट आर्म राउंड से बॉलर के ऑफ स्टिक के पास में से बॉल निकालना। तो जितनी आप बॉडी लाइन बॉल करोगे
उतना घातक आप बॉलर बनते जाओगे। पेस की ज़रूरत नहीं है, पेस के चक्कर में ना रहें, सिर्फ आप सही स्पॉट के चक्कर में रहें। अगर आपका स्पॉट सही होगा तो ऑटोमेटिकली आप कम रन्स खाओगे। तो ये एप्लीकेबल होता है स्पिन बॉलर फास्ट बॉलर दोनों के लिए। जितने आप वेरिएशंस रखोगे, अगर आप ऑफ स्पिन भी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप ऑफ स्पिन हमेशा आपको घुमा के करनी है। आप उसको ऑफ स्पिन को फ्लिप पर भी डाल सकते हो, लेग स्पिन की तरह। लेग स्पिनर फ्लिप पर भी डाल सकता है, ऑफ स्पिनर डाल रहा है तो थोड़ी सी तेज़ डाल सकता है, थोड़ी कम स्पिन करे और कभी थोड़ी सी फ्लाइटेड ज़्यादा रखे। इस तरह से जितनी वेरिएशंस आप रखेंगे अपनी बॉलिंग में, उतने सक्सेसफुल बॉलर आप बनते जाएंगे। तो कोशिश करें तरह तरह की बॉल डालना सीखें। ये छः बॉलें तो है ही है, स्पॉट्स मैंने बताए। फिर आप बॉल कर रहे हैं तो आप नक्कल बॉल का इस्तेमाल करें तो ये एक वेरिएशन आपके तरकश में एक और तीर आ जाएगा। कई बार क्या होता है, हम उल्टे हाथ से बॉल डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप जितने आपके तरकश में ज़्यादा तीर आप इकट्ठे करोगे तरह तरह की बॉल के, तब आप आराम से विकेट्स ज़्यादा से ज़्यादा और कम रन खाओगे। एक लास्ट टॉपिक, एक और मैं पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, आप एक बार बैट्समैन की कमज़ोरी पकड़ो। अगर आपको बैट्समैन की कमज़ोरी पकड़ में आ गई, तब आपको पता चल जाएगा कि उसको कौन सा बॉल डालना है। अगर वो बाउंसर नहीं खेल पाए तो जो पहले ओवर में आप उसको टेस्ट करो तो कौन सी बॉल नहीं खेल पा रहा है वो। तो जब मैं आपका नेक्स्ट स्पेल आए, नेक्स्ट ओवर आए, तब आप उसको वो बॉल ज़्यादा खिलाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा पहले ओवर में कि वो इस बॉल को खेलने में उसको दिक्कत आ रही है। इस तरह से आप एक प्लानिंग के साथ में बॉल कर सकते हो। एक और चीज़, बॉल फेंकने से पहले सोचना कि बॉल कहाँ मैं फेंकूँगा। बॉल फेंकने के बाद मत सोचना कि गलत बॉल डाल दी और चौका चला गया या छक्का चला गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉल फेंकने से पहले सोचो और बॉल फेंकने के बाद मत सोचना। जो बॉल फेंकने के बाद सोचता है वो ज़्यादा रन खाता है, जो बॉल फेंकने से पहले सोचता है कि कहाँ फेंकनी है वो हमेशा कम रन खाएगा, ज़्यादा विकेट लेगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, होप आपको अच्छा लगा होगा। और बॉलिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बॉलिंग एक बहुत अच्छी एक आर्ट है। और जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा, तो आप आधी रात में उठ के भी अगर बॉल डालोगे ना तो भी वाइड नहीं जाएगी। तो होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ देसी क्रिकेट, देसी स्टाइल। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।